ना, वी विल सिमुलेट आवर प्रॉब्लम्स जो भी हमने किए, चाहे वो ड्रिंकिंग मैन प्रॉब्लम हो, है ना, चाहे वो परस्यूइंग प्रॉब्लम हो, बहुत सारी हमने अभी तक सिमुलेशंस किए, है ना, चाहे वो पाई का वैल्यू निकालने का हो, इररेगुलर फिगर का हो, इंटीग्रेशन ऑफ दी प्रॉब्लम का हो, सो मैनी सिमुलेशंस वी हैव डन टिल नाउ। तो उसमें हम जो है आज मैटलैब की थोड़ी सी बेसिक कमांड्स, बेसिक वर्किंग समझेंगे, है ना, जनरल आइडिया दूंगा मैं आपको। तो आई एम शेयरिंग यू ए फाइल, मैटलैब फाइल और मैटलैब एप्लीकेशन। यस, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? मैटलैब एप्लीकेशन विजिबल है स्क्रीन पे आपको? विजिबल है मैटलैब एप्लीकेशन? यस सर, यस गुड गुड। तो देखिए, जब भी आप मैटलैब को ओपन करेंगे, है ना, तो देखो ये वाला इसका ये ट्रेडमार्क है, और मैटलैब 2013 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, है ना, तो ये वर्जन है 2013, 14, 15। तो किसी भी वर्जन पे आप काम कर लीजिए, बेसिक कमांड सभी सेम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल में देर इज वन विंडो, एंड दिस विंडो इज नोन एज कमांड विंडो, है ना। इन दिस विंडो यू कैन इशू योर कमांड्स, है ना, यू कैन इशू योर कमांड्स, कोई भी कमांड आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कहा आई वॉन्ट टू एड 20 प्लस 45, है ना, 20 प्लस 45, सो यू कैन प्रेस एंटर, देन योर आंसर इज 65। सो इन द कमांड विंडो यू कैन गिव एनी टाइप ऑफ कमांड्स, है ना। सपोज यू आर गिविंग लेट ए इज इक्वल टू एट, इक्वल टू एट, इक्वल टू एट मीन्स यू आर इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल, सो इफ यू प्रेस एंटर इट मीन्स ए इक्वल टू एट। सो दिस वेरिएबल विल बी लिस्टेड इन द वर्क स्पेस विंडो, दिस वेरिएबल विल बी लिस्टेड इन द वर्क स्पेस विंडो। सो ऑन द राइट साइड इट इज रिटन ओवर हियर वर्क स्पेस। सो इन द वर्क स्पेस देर आर टू वेरिएबल्स नाउ, वन इज वेरिएबल ए एंड सेकेंड वेरिएबल इज ए एन एस, ओके, आंसर वेरिएबल। सो ए इक्वल टू एट, द वैल्यू इज ऑल्सो सोन हियर एट, एंड आंसर वेरिएबल वैल्यू इज सोन 65, है ना। दिस आंसर इज इट बाई डिफॉल्ट वेरिएबल। इफ यू आर नॉट गिविंग एनी वेरिएबल नेम, देन मैटलैब विल, मैटलैब की तरफ से एक बाई डिफॉल्ट वेरिएबल क्रिएट हो जाता है वर्क स्पेस में, दैट इज आंसर वेरिएबल, एंड इट इज ए करेंट वेरिएबल। एंड नाउ सपोज यू वॉन्ट टू क्रिएट ए अनदर वेरिएबल बी इक्वल टू 98। तो अभी वर्क स्पेस पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं आई विल प्रेस एंटर बी इक्वल टू 98, ए थर्ड वेरिएबल हैज बीन जनरेटेड इन द वर्क स्पेस। सो इफ यू आर क्रिएटिंग ए वेरिएबल इन द कमांड विंडो दैट विल बी लिस्टेड इन द वर्क स्पेस, है ना। सपोज नाउ यू वॉन्ट टू इशू ए कमांड डी इक्वल टू ए माइनस बी, सो प्रेस एंटर, सो डी इज अनदर वेरिएबल हैविंग वैल्यू -90, 8 -98। इन दिस वे यू कैन इशू द कमांड्स, है ना। देर इज वन कमांड सी एल सी, तो सी एल सी फॉर क्लियर स्क्रीन। सो बाय दिस कमांड योर कमांड विंडो विल बी क्लियर, वेरिएबल्स आर स्टिल एग्जिस्टिंग, है ना, वेरिएबल्स आर नॉट क्लियर, ओनली द कमांड विंडो स्क्रीन इज क्लियर बाय द हेल्प ऑफ सी एल सी, है ना। इफ यू प्रेस ओनली ए and press enter, then it will return you the value of A, and if you want to call the value of D, so D, the value of D is -90, it will give you -90. So it is the area in which you can issue the commands, and this is the area in which the work variables are listed, and below that there is a command history window. In this window different commands are listed, है ना, whatever commands you have issued they are listed, है ना, a equal to 8, b equal to 98, d equal to a minus b, clc command, whatever command you are giving those commands are listed here, है ना, you can just copy from here or you can use those back commands. So this is command window. On the left side there is a folder window, है ना, current folder window. So I am currently working
in MATLAB folder, which is inside the document. So this is the path for my folder, C drive, users, Rajkumar, documents, and MATLAB. So currently I am working in MATLAB folder. Okay. I can change my folder at any time when I require. So I can browse from here. So browse for folder. I can browse from here. Suppose I want to work in the desktop window, in the desktop folder. So I can select this folder. So now my current folder is desktop. C users Rajkumar desktop. So I can select the path of my folder or the directory from here. So this is the folder window. And this is command window. This is workspace window. This is command history. And this is the menu bar. And different options are there for different functions. And a new script is here for creating the new files. And you can create a new file for the calculation of the pi, or you can create a new file for the pursuer problem. So we will go how to create a file in the MATLAB. But before that, we have to learn that how the matrix is created in MATLAB. So the full form of the MATLAB is Matrix Laboratory. So how we can create a matrix in the MATLAB. So how can we create a matrix? Suppose I want to create a matrix Z equal to. So matrix is created with the help of square brackets. Okay. 12, 13, 14, semicolon. Rawat sir, thoda sa dheere bolega sir. 12, 13, 14, this is my like first row of the matrix. Then I am giving 78, or I can give 90, any value, or 65, like this is my second row. And again, semicolon. Semicolon means a new row is starting. Let I press enter, or I am taking one more row, like 98, 76, 65. This is my third row. So if I press enter, it will give me a matrix. So now the variable Z is a matrix which is having three rows and three columns. So it is a size of the matrix is 3x3. So in this way, you can create the matrix. If you press Z dash, so Z dash means transpose of the Z. So you can create a new matrix T, T equal to Z dash. Z dash means it is the transpose of the Z. So if you press enter, then T will be 12, 13, 14. So jo pehle row had 12, 13, 14. Now it is a column 12, 13, 14. Similarly, second row changes into second column, third row changes into third column. So this is the transpose. You can find the transpose. You can also find the inverse of the any matrix. So let first I clear screen, and I want to find the inverse of matrix T. Inverse of the matrix T. And let this inverse is stored in a new variable, let U. So U equal to inverse of T. Press enter. So it will give you the inverse 3x3 order, minus 0.0718. So there are many functions. We can play with the matrix. Now you can find the inverse, you can find the transpose, or you can find the rank of the matrix. So there is a rank function, RANK. Suppose you want to find the rank of T matrix. So press enter. The rank of the matrix T is 3. Now there is one more function, size. So if you will give size of T, so it is 3x3, so it will give you number of the rows are 3 and number of the columns are also 3. Okay. So if you want to, let's suppose there is a, I am writing Z equal to, let 1 to 8, colon means it is a range, so 1 to 8.
So it will give you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z equal to 1 to 8 with a default increment of 1. Okay. If you write the command Z equal to 1 with a difference of 2 colon. So 1 colon 2 colon 8 means the first value is 1, last value is 8 with an increment of 2. So if you press enter, so the answers are 1, 3, 5 and 7 in this way. You can create the arithmetic progression series also. So what we have done today, how to create the matrix in the MATLAB. You just write the values 3, 4, 5 with a space, put a semicolon. So the next row will be started. So you can create a matrix. You can find the transpose of that matrix. You can find the inverse of that matrix. So there are so many options available in regarding MATLAB. You can rotate the matrix. You can find the average. You can find the sum. You can find the mean, mode, median, standard deviation. Suppose in the matrix there are stresses involved in the material. So you can work on those stresses with the help of matrix. So matrix multiplication is very, very effective in case of MATLAB. So ab tak ki usme kuch doubt ho, to please puchiye. जस्ट एक बैकग्राउंड दिया है हमने. सबसे पहले मेन्यू बार्स हैं, है ना, होम प्लॉट्स एप्स, फोल्डर विंडो इज देयर, कमांड विंडो इज देयर, वर्क स्पेस एंड कमांड हिस्ट्री. ठीक है, इन कमांड विंडो वी कैन इश्यू डिफरेंट कमांड्स. आई कैन क्लियर ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ सीएलसी. एंड वन मोर कमांड इज देयर, क्लियर. सपोज आई राइट क्लियर जेड, सो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इन द वर्क स्पेस नाउ प्रत्युष? हाउ मेनी वेरिएबल्स? A is one variable, ANS is one variable. So how many variables are in the workspace? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many variables? 7. 7 variables. Now I want to clear D variable. Suppose I want to clear D. So I will write clear D. Jaise hi maine enter press kiya, dekhiye D gayab ho gaya workspace. So D had been cleared, D has been deleted from the workspace. Now the remaining variables are only 6. And initially they were 7. Now suppose I want to clear T also. So I will clear T. T clear ho gaya, na? Suppose I want to clear all the variable. So I can place clear all. Clear all means all the variables will be cleared. Now nothing is in the memory. Okay? If you call D because D is not in the memory, then the MATLAB will give you the error. Undefined function of the variable D. Because D has been deleted from the memory. So clear command for clearing the screen, CLC command for clearing the screen in the command window, and clear command for clearing the variables in the workspace. Okay. So I think it is sufficient for today. And in the next week, in the lab class, we will discuss some more important commands with the matrix. मैट्रिक्स पर हम बहुत सारे फंक्शंस पे बात करेंगे. जितना आप मैट्रिक्स की कमांड्स में पारंगत हो जाएंगे, उतना ही आप कोडिंग में किसी भी प्रॉब्लम को सिमुलेट करने में पारंगत हो जाएंगे. तो मैट्रिक्स की जितने भी फंक्शंस आपको मिले हैं, प्लीज नोट देम ऑल, है ना, कौन से फंक्शन से क्या काम होता है, मेक ए लिस्ट ऑफ दैट. ठीक है, तो चलिए, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ. If you have any query, please ask. Otherwise, we will end. तो आपको फील आ रहा होगा कि MATLAB और C++ की कमांडें लगभग मिलती जुलती हैं, है ना? C++ में शायद आप वो कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करते थे, है ना, हैश इंक्लूड, कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती है. यहाँ पर आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करने की नीड नहीं है. देयर इज नो नीड टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स. ओके, so anything else? Sir, हाँ बोलिए. Yes sir, जो ये lab होंगी sir अगले हफ्ते sir, हाँ sir, college में होगी या sir जैसे आज ये हुआ है discussion वैसे होगा? अभी तो ऐसे ही होगा, college offline classes होंगी तब फिर college में हुआ करेंगे.
अभी तो ऑनलाइन ही होंगी, ओके सर, जब तक ऑफलाइन नहीं हो जाता है, अभी तो ऑनलाइन है ना। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।